गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसी संबंध में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाहजहां जंगल सफारी का दौरा करने गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा NCR क्षेत्र में जंगल सफारी की अपार संभावनाएं हैं। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद NCR में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी CM मनोहर लाल के साथ मौजूद रहे। गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में सफलता मिलेगी। हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना है। एक बड़ा हार्पेटेरियम, एवियरी, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक अंडरवाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमैस, इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट होंगे सफारी पार्क का हिस्सा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ आसपास के गांव में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा। गौरतलब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां पर पक्षियों, वन्य प्राणियों, तितलियों आदि की कई प्रजातियां पाई जाती है। कुछ वर्षों पहले करवाए गए सर्वे में मिली जानकारी के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला में पक्षियों की 180 प्रजातियां, मैमल्स अर्थात स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियां, रेप्टाइल्स अर्थात जमीन पर रेंगने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियां तथा तितलियों की। गुरुग्राम से अनुज पांचाल, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।